घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, अब बिल्डरों के हर प्रोजेक्ट विज्ञापनों में क्यूआर कोड होना अनिवार्य। क्यूआर कोड नहीं होने पर लगेगी भारी पेनल्टी। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ। दोस्तों, एक खास पेशकश महासेवा न्यूज व MNS मीडिया न्यूज में आज हम बात करने जा रहे हैं आज से और भविष्य में घर खरीदने वाले उन लाखों ग्राहकों के हित की। जी हाँ, 1 अगस्त 2023 से महारेरा ने डेवलपर्स द्वारा प्रोजेक्ट के विज्ञापनों में QR कोड होने की अनिवार्यता कर दी है। पिछले हफ्ते आया यह सर्कुलर महारेरा का लैंडमार्क डिसीजन है और इस सर्कुलर का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्रेडाई, MCHI, BI और ग्राहकों ने भी इसका स्वागत किया है। महारेरा के इस लैंडमार्क डिसीजन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फोन लाइन पर महारेरा के फाउंडर चेयरमैन गौतम चटर्जी। गौतम जी, आपका स्वागत है। गौतम जी, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, महारेरा जब से बस में 2017 से कार्यरत हुआ है, मैं समझता हूँ हरदम अग्रसर रहा है और एक्ट के तहत, रूल्स के तहत जो भी बताया गया है उसमें उससे आगे बढ़ के ऐसा कुछ स्टेप लिया जाए ताकि होम बायर्स को और फायदा हो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। इस लिहाज से ऑलवेज महारेरा एक कदम आगे रहा है और उसी लिहाज से अभी जो नया इन्होंने स्टेप लिया है कि QR कोड भी जो है कंपलसरी किया गया है 1 अगस्त से। इससे फायदा यही होगा कि वेबसाइट में जाके पूरे स्कीम की इंफॉर्मेशन लेने के बजाय अगर QR कोड स्कैन कर ले तो होम बायर को और आसानी से सारा डिस्क्लोजर मिल सकता है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ महारेरा की टीम को, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कदम लिया है। जानते हैं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु से कि महारेरा का यह निर्णय क्या है और किस तरह का यह पूरा सर्कुलर है। महारेरा ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें यह बताया गया है कि हर एक विज्ञापन, हर एक एडवर्टाइजमेंट में QR कोड कंपलसरी किया गया। 1 अगस्त 2023 से जो एडवर्टाइजमेंट में एक QR कोड नहीं है तो उसको डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम 10,000 से लेके 50,000 तक जुर्माना है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत सारा तकलीफ लोगों को पहुंचा सकते हैं। QR कोड से क्या होगा कि डायरेक्ट मोबाइल से वो पर्टिकुलर साइट में आदमी जा सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट का मिल सकता है, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट का नंबर गलत लिखते हैं, कई बार प्रमोटर्स है वो अपना महारेरा का वेबसाइट भी नहीं देते हैं। तो ये QR कोड जो जनरेट होके वो हर एक एडवर्टाइजमेंट में रहेगा तो आम नागरिक के लिए या कंज्यूमर के लिए बहुत फायदामंद होगा और ये जो पेनल्टी लगाने से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सबक सेक्शन 63 के अंतर्गत ये सर्कुलर निकाला है, यह बहुत अच्छा सबक लोगों को मिलने वाला है। इसमें यह भी बताया गया यदि ये रिपीटेडली ऐसा मिस्टेक करते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वो हियरिंग लगा के उनके ऊपर जुर्माना ज़्यादा भी हो सकता है और अंडर जिसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में भी उसको जुर्माना कर सकते हैं। सेक्शन 37 ऑफ रेरा, इसमें यह बताया गया कि हर एक रेरा को ये अधिकार है कि यदि कंज्यूमर को बेनिफिट होने के लिए कोई भी डायरेक्शन प्रमोटर को, रियल एस्टेट एजेंट को या अलॉटी को वो महारेरा दे सकती है। बाय यूजिंग दिस सेक्शन 37 ऑफ रेरा, महारेरा ने एक कायदा किया है। मुझे लगता है पहली बार तो अक्का हिंदुस्तान में QR कोड का जो कंपलसरी करने का प्रावधान महारेरा ने किया है और मैं इसको स्वागत करता हूँ एक कंज्यूमर का हित में। महारेरा के इस कदम पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं क्रेडाई MCHI के वाइस प्रेसिडेंट सुकराज नहार। सुकराज जी, महारेरा के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये सबके लिए अच्छा है कि आदमी जाके डिटेलिंग देख सकता है, इससे कस्टमर को बहुत फायदा होगा। बात करते हैं BAI यानी कि बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आनंद गुप्ता से। आनंद गुप्ता जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सभी डेवलपरों को QR कोड लगाना है सभी एडवर्टाइजमेंट में, अपने जो प्रोजेक्ट साइट है उसके बोर्ड पर और या जो भी मार्केटिंग के लिए जो मटेरियल बनाएंगे उसपे, उसके ऊपर। इसका शॉर्ट मीनिंग यह है कि यदि वो अपने मोबाइल से उसको डिजिटल देखेंगे तो वो प्रोजेक्ट का पूरा मापदंड वो इमीडिएटली पढ़ सकता है और इससे उसको पूरा डिटेल उस प्रोजेक्ट का मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है, एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, लोगों को कस्टमर ओरिएंटेड बाइंड करने के लिए एक ये महारेरा का एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ कदम है। महारेरा बार एसोसिएशन के अनिल डिसोजा से हमने बात की। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि महारेरा इज शोइंग दैट यू नो इट इज वेरी मच ओपन टू बिकमिंग ट्रांसपेरेंट अबाउट द प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो गिविंग एक्सेसिबिलिटी। कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ रिकॉर्ड्स है, बहुत कुछ महारेरा इज कपास, लेकिन लोग वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं
तो ये QR कोड के जरिए अगर लोग घर पे बैठे बैठे या जस्ट यू नो एक एडवर्टिजमेंट देखा उन्होंने बिल्डर का और वो QR कोड उन्होंने ये किया महारेरा के अथॉरिटी का QR कोड, सो दैट दो चीज होते हैं इसमें, एक तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, दूसरा बिकॉज दिस QR कोड इज अ ब्रिज बिटवीन द बिल्डर एंड महारेरा, इसमें ऑथेंटिसिटी आता है, इसमें इंटेग्रिटी आता है, इसमें क्लैरिटी आता है कि ये जो हम लोग QR कोड यूज करके बिल्डर का प्रोजेक्ट की डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे ये ऑथेंटिक सोर्स है, सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप और आई एम श्योर महारेरा इज थिंकिंग अ लॉट मोर ऑल्सो इन द फ्यूचर। दोस्तों हमने रियल एस्टेट के दिग्गजों से बात की, अब हम बात करते हैं ग्राहकों की तरफ से एक घर खरीदार से, क्या है उनका इस विषय पर नजरिया, उनका नाम है राजीव सक्सेना। ये एक इतना अच्छा स्टेप है महारेरा का, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम एक बहुत सिंगल विंडो देते हैं बिजनेस के लिए, वैसे ही सिंगल इजी स्टेप है जहां पे कोई भी बायर अगर उसको किसी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका प्रमोशन उसने पेपर में देखा है, तो वो QR कोड को स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकती है। ये बायर्स के लिए इतना अच्छा है क्योंकि उसको बहुत डिफिकल्टी होती है इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में कि वो महारेरा के वेबसाइट पे जाए और वहाँ जाके फ्रेम फाइंड आउट करे, इसके लिए एज ए बायर ये बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है और आई एम वेरी हैप्पी कि ये महारेरा इतना अच्छा स्टेप उठाया है और एज ए कंज्यूमर एज ए बायर मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई मूव महारेरा में नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। निश्चित ही महारेरा का यह निर्णय लैंडमार्क डिसीजन है जिसकी वजह से सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यह निर्णय रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मजबूत करेगा और साथ ही ग्राहकों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी, ग्राहकों से ठगी की घटनाओं में कमी आएगी। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो समस्या हो तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। धन्यवाद। नमस्कार।